नफरत एक तरीका होता है प्यार छुपाने का डिफेंस मैकेनिज्म प्रिया गुड नाइट गुड नाइट बहुत देर हो गई है क्या करूं कैसे फोन करूं हाँ ये बोल दूंगी कि कृष से बात हुई या नहीं ये पूछने के लिए फोन किया था हाँ ये एक्सक्यूज बेस्ट है प्रिया अगर सारा दी होती ना अभी तक मुझे डांट चुकी होती कि अपने पति से बात करने के लिए कोई बहाने ढूंढता है क्या पर क्या करूं कैसे फोन करूं मैम ये आपके लिए थैंक यू वेलकम मैम तुम्हारा फेवरेट बीटरूट जूस सोने से पहले पी लेना मिस्टर कपूर सीरियसली आधी रात के बाद मत पीना आधी रात के बाद अरे यार कम ऑन प्रिया ये घड़ी भी ना है ये भी नहीं खा सकता 12 बजे क्या करूं रिया को फोन करूं शायद सो रही होगी और सारादी भी साथ में होगी तो अभी डिस्टर्ब नहीं करता खुजली क्यों हो रही है बाथरूम जाके स्प्रे कर लेता हूँ क्या कर रहे होंगे कहीं आधी रात को मिल्कशेक तो नहीं पी रहे होंगे मेरे मना करने के बाद हाँ ये सही रहेगा ये पूछने के लिए कॉल कर लेती हूँ नहीं ये सही नहीं लगेगा क्या करूं अरे प्रिया क्या ये अरे तेरे इतने इतनी गंदगी है वो प्रिया ने देख लिया तो डांट डांट खाऊंगा मैं ये एक सेकेंड अरे रुको हाँ एक सेकेंड अरे अब दोबारा मत करना प्रिया फोन बंद हो गया खावा खा अरे नॉर्मल कॉल किया था प्रिया ने उठा लेना चाहिए था ना यार अब प्रिया को लगेगा खावा का एटीट्यूड मार रहा हूँ मैं दोबारा फोन करेगी या नहीं क्या यार अरे तुम अभी तक जगी हुई हो अरे ऐसे बीमार पड़ जाओगी क्या कर रही हो प्रिया यार कुछ डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है कि नहीं अच्छा मेरे कुछ बोलने से पहले ही आप बोल रहे हैं हाँ हर बार ये नहीं चलेगा मिस्टर कपूर अच्छा मुझे बताओ सब सारा दी क्या सब कैसा है ठीक है मैं अभी होटल में हूँ सारा दी वहाँ अकेले गई है एक्चुअली हमें पहुँचने में बहुत देर हो गई थी तो सारा दी पहले खुद वहाँ जाना चाहती थी अकेले यू नो सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अच्छा आप ये बताइए कि क्रिश से बात हुई हाँ हुई मैं उससे मिला और लोगों से मिलके एक बात की श्योरिटी तो हो गई जिस दिन डैड का एक्सीडेंट हुआ ना उस दिन डैड बड़े परेशान लग रहे थे काफी टेंस लग रहे थे बहुत सारी चीजें इत्तेफाक लग रही है लेकिन अगर एक चीज कॉमन है सब में वो है शशि के पिता जो अब जिंदा नहीं है लेकिन वही सारी कड़ियों को जोड़ रहे और शशि का भी अता पता नहीं है अगर एक लिंक है जो मैं शशि तक पहुंचा सकता है वो है वेदिका अच्छा सुनो अब तुम्हारी बारी ओके सारा दी क्या सब कैसे हैं मतलब वरुण जी जो उनके साथ नहीं रहते वो समझ में आता है लेकिन उनका बेटा मतलब इतना छोटा है वो माँ के बगैर कैसे रहता
मैंने आपको बताया था ना मिस्टर कपूर, ईशान जीजू से ज़्यादा क्लोज है. एक्चुअली जीजू हमेशा घर पर ही रहते थे, अपनी माँ का ख्याल रखते थे, तो ईशान भी हमेशा उनके पास रहता था, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था. और दी हमेशा बाहर रहती थी काम के लिए, कभी कभी डबल शिफ्ट भी करती थी फाइनेंशियली सब कुछ ठीक करने के लिए. इसीलिए तुम लड़कियों ने कितना कुछ किया है ना. क्यों, आपने भी तो अपनी फैमिली के लिए कितना कुछ किया है. तो फिर हम लड़कियों ने किया है. ये बात सुन के आप लड़के इतना शौक क्यों हो जाते हैं. मतलब मेरे कहने का वो मतलब नहीं था. अब आप ये कहने वाले हैं कि मैं आपको ताने मार रही हूँ, है ना. अरे प्रिया तुम फिर से. तो ठीक है, आप अपना कूपन यूज कर लीजिए. और हाँ, इस बार मैं वैलिडिटी नहीं बढ़ाऊंगी. हाँ अभी से कह रही हूँ, बाद में मत कहिएगा कि मैंने वॉर्न नहीं किया. सुनो, मैं कोई कूपन वूपन यूज नहीं करने वाला. ओके, क्यों क्यों नहीं करना. क्योंकि मुझे तुम्हारे ताने सुनने हैं यार. क्या अच्छे लगते हैं मुझे तुम्हारी आवाज में ताने ना, बड़े अच्छे लगते हैं. ऐसे तुम्हें भी अपनी बड़ाई कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे लगते हैं ना. अभी सुन के मुस्कुरा रही होगी, पर मेरी सुनोगी नहीं. तुम ना तुम ही हो प्रिया. आप तो बहुत बहादुर हो गए हैं मिस्टर कपूर. रोज तो ऐसे दिखाते हैं जैसे मुझसे बड़ा डरते हैं, अब क्या हुआ. अरे वो तुमसे दूर हूँ ना, तो अपने आप ही एक शक्ति आ गई अंदर में. तो कुछ कर तो सकती नहीं हो तो मेरा मतलब दूर हूँ ना, तो अलग शहर में हो तो. हाँ दूर तो हूँ, बहुत दूर. अच्छा मिस्टर कपूर, आपसे एक बात पूछूं. हाँ पर तुम कोई सीरियस वाली बात मत पूछ लेना फिर से. आप हमेशा ऐसे एक्टिंग क्यों करते हैं जैसे आप मुझसे बहुत डरते हैं. अरे मैं एक्टिंग नहीं करता, सच में डरता हूँ तुम्हें खोने से. उस सुबह से जब मैं अपनी आंखें खोलूं और तुम वहां ना हो. तुम्हें पता है मैं ये बात अभी कह पा रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे मिलो दूर हो, वरना अगर सामने होती ना तो. या तो कहने नहीं देती या मुझे. मिस्टर कपूर आप केस के लिए वेदिका से बात करने वाले हैं क्या. अरे यार तुम टॉपिक बदल कैसे लेती हो इतनी कन्वीनियंटली, मतलब ऐसे ही बदल दिया. हाँ मिस्टर कपूर मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसी बातें मैं कैसे करूं. मुझे नहीं आता है, मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाती हूँ. ऐसी मतलब कैसी बात होगा. ऐसी मतलब आपको पता तो है मतलब. हाँ मतलब तुम ऐसी वैसी बातें बोलती कहाँ हो. तुम तो बड़ी प्रैक्टिकल लड़की हो ना, मतलब थियोरी वियरी में यकीन नहीं करती, सीधा कर देती हो प्रैक्टिकली, वो भी माथे पे. मैं फोन रख रही हूँ, बाय, गुड नाइट मिस्टर कपूर. अरे यार क्या ऐसे कैसे गुड नाइट यार. अच्छा चल सुन, मैं चिढ़ाऊंगा नहीं तुम्हें. ओके चिढ़ाइए ना, पूरे मन से चिढ़ाई, फिर मैं भी चिढ़कर फोन रख दूंगी तो चलेगा. अरे ये क्या बात हुई यार, मैं मतलब अभी चिढ़ा भी नहीं सकता तुम्हें. अच्छा सुनो, इस बारे में बात नहीं करते. ओके तो किसके बारे में बात. केस के बारे में बात करते ना, उसके बारे में बात करते हैं. हाँ आप वेदिका से बात करना चाहते हैं क्या. अरे मैंने तो नाम ही नहीं लिया वेदिका का यार. हाँ पर हर बात घूम फिर कर उसी पर अटक जाती है ना, क्या करें. यू नो व्हाट, तुम्हारी बातें अटक रही है उस पर, ज्यादा ही सोच रही हूँ उसके बारे में. पीठा अटे क्या तुम्हारी. मिस्टर कपूर आप पागल हो गए हैं क्या. हाँ पागल हो गया हूँ मैं ऑफ कोर्स. ये मत पूछना कि किसके यहाँ ना होने से हो रहा हूँ. मिस्टर कपूर फिर से वैसी बातें. कैसी बात. कोई शब्द होगा ना उसके लिए, एक वर्ड या टर्म या कुछ तो होगा ना उसके लिए. कैसी फिल्मी. ये शायरी जो आप करते हैं ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. बस. हाँ पर कॉलेज में तो ऐसी नहीं होगी ना. ऐसी ही थी. अच्छा शायरी पसंद नहीं थी. शायरी से चिढ़ती थी. जी हाँ. लाल रोज़ेस. उसमें मुझे कांटे दिखते थे. किसी ने दिए थे. हाँ कोई हिम्मत करके तो देखता. चाहती तो होगी. जी नहीं. क्रिश पसंद नहीं था. क्रिश तो मेरा क्रश था मिस्टर कपूर. ओ ओ ओ आए ऐसी. इतना ओ करने वाली कोई वैसे बात नहीं थी मिस्टर कपूर. मैं सिर्फ 18 की थी. और आप 32 की उम्र में आप मेरे क्रश को लेकर मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते. ओके अब मैं सोने जा रही हूँ, बाय, गुड नाइट. अरे सोने जा रही हूँ. अंतिम संस्कार सुबह 7 बजे है. तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते. सेम कॉलेज. व्हाट. क्रिश तो मेरा क्रश था मिस्टर कपूर. क्रिश. ओह दैट वाज गुड. गुड रन. 5000 कैलोरी शुभम. या गुड मॉर्निंग.
Good morning, good morning. Good morning. Chalo, come, breakfast is ready. No. You eat. Main nahi kha raha ye sab. Main intermittent fast nahi kar raha hu. As suggested baki. Main to 1 baje khaunga. Aur Shubham, you can have fresh naryal pani. Sodium, potassium, good dietary fiber. And it will also keep you hydrated. Okay, nice. Fresh naryal pani. Tarun, naryal pani 1 glass, please. Tarun, actually 3 naryal pani, sabke liye fresh. Wah, diet seriously li ja rahi hai. Yes, of course. By the way, business plan ka kya hua? Any ideas? Yeah. I don't know, mom. Actually, wo plot kafi bada hai na. Actually, mom, सच बात ये है कि वो रामजी जो के डैड का गिफ्ट है तो जो मुझे दिया गया था कि ताकि मैं अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकूं तुम भी तो मेरे बेटे जैसे ही हो है ना शुभू तो मेरा बेटा है ही तो व्हाट्स द प्रॉब्लम या लिसन अकी ये हेल्थ प्लान ना इट्स माय बिजनेस लेकिन हेल्थ प्लान को तुम लीड करोगे मैंने डिसाइड कर लिया यहाँ जिम जैसा कुछ भी नहीं होगा सब कुछ यूनिक होगा हेल्थ प्लान से लेकर Even instructors tak. Sab kuch. Thanks. In short, ye business mein capital mera hoga, investment mera hoga, lekin dimag tumhara hoga. So, what do you think? Let's do it together as partner. Aur Shivi ko bhi acha lagega ki hum dono saath mein kaam kar rahe hain. Jhoot mat bolo, Shubhu. Tum ye Shivi ke liye kar rahe ho? Ek minute, mom, jhoot? मैं समझा नहीं मॉम कम ऑन प्लीज बता दो मॉम प्लीज बताइए ना मॉम प्रिया के लिए प्रिया के सामने एक्चुअली इसने इतना सब कुछ कह दिया अब उससे बात करने से डरता है और ये चाहता है कि प्रिया और इसके बीच में सुलह हो जाए यू नो सो या सॉरी फॉर दैट डे एक बात बताऊं शुभम प्रिया दीदी भले ही स्ट्रिक्ट और स्कैरी टाइप की हैं पर वो गुड स्ट्रिक्ट और गुड स्कैरी है और लाइफ में इतना डिसिप्लिन होना ही चाहिए अनुशासन बहुत जरूरी है देखना इसीलिए हम में से कभी भी कोई भी अपनी लाइन से भटका नहीं क्योंकि प्रिया दीदी हमेशा पीछे डंडा लेकर खड़ी रहती थी कि कोई अपनी लाइन से भटक ना जाए मजा ले एक बात बताओ Priya Didi is the best thing that has ever happened to Suits. And now Kapoor's. Of course. Yeah. Great. The deal is done. Yeah. We are on it. Ab tum dono presentation ki taiyari karo. Naam ko bhi to dikhana hai. Yeah, yeah. Of course. Yeah. We should. Ishan, theek hai? Haan. Waise usne apne dad se yahi bola. मुझसे तो ज़्यादा बात नहीं करता वो उसे लगता है काम के सिलसिले में मैंने उसे छोड़ दिया आई नो जीजू आ रहे हैं हाँ वरुण यही आ रहा है सारा दीप मैं वरुण जीजू से बात करूं क्या वो हमारे साथ आएंगे मुंबई नहीं प्रिया वरुण नहीं मानेगा मुझे तो लगता है मुझे अपनी बेकरी बेचकर यहीं शिफ्ट होना पड़ेगा परमानेंटली सोच लो सारा दीप अगर आप बेकरी बेचोगे तो मिस्टर सूद आ जाएंगे अपना आधा शेयर लेने के लिए और फिर आपके पास बहुत कुछ नहीं बचेगा मैं मानती हूँ प्रिया लेकिन मैं हमेशा तो ईशान से दूर नहीं रह सकती ना मतलब अभी फिलहाल तो यही एक सलूशन समझ में आ रहा है कि मैं परमानेंटली यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो जाऊँ और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है मुझे क्या करूँ कैसे हेल्प करूँ दीखी मिस्टर कपूर से पूछूँ क्या नहीं वो तो सारा खर्चा उठाने को तैयार हो जाएंगे नहीं ये ठीक नहीं है ठीक है सब 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 ठीक है ओके तुम फास्ट चलो ये रिसोर्ट कब तक पहुंचेंगे हम सर ये दिल्ली की ट्रैफिक है कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे सर 20 मिनट और लगेंगे ओ तेरे प्रिया तो शॉक नहीं सरप्राइज हो जाएगी मुझे देख के सारा दी मैं सोच रही हूँ कि क्या हम मिस्टर कपूर से मदद मांग ले नहीं प्रिया मैं राम पे कोई बर्डन नहीं बनना चाहती समझना प्रिया वरुण ने इसलिए नौकरी नहीं की ताकि वो अपनी माँ और ईशान का ख्याल रख सके और उसने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी वो बहुत अच्छे बेटे थे और अच्छे बाप भी है और वरुण के लिए इजी नहीं था कि मैं काम पे जाऊँ और वो घर संभाले
लोग मुंबई आएंगे तो वापस यही होगा, मैं काम पे जाऊंगी और वरुण कैसे होगा मतलब, और फिर ईशान, तब तो वो बच्चा था, अब वो एक टीनेजर है, उसके लिए कितना ऑकवर्ड हो जाएगा। और सारा दी मैं समझ रही हूँ, पर आप मेरी पूरी बात तो सुनो, हम मिस्टर कपूर से मदद मांगेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे पैसे लेंगे। ऑफ कोर्स नॉट, वो तो मैं कभी खुद सजेस्ट नहीं करूंगी। फिर पर हम उन्हें बोल सकते हैं शायद वो जीजू को कहीं जॉब दिलवा दे या फिर खुद उन्हें कोई जॉब दे दे, है ना? ये सब प्लानिंग हो रही है यहाँ पर। कॉन्स्पिरेसी? नहीं जीजू, मैं तो चाहती हूँ कि आप साथ में रहें, और मैं सारा दी से कह रही थी कि बेकरी बेचना इट्स नॉट अ गुड आइडिया, इसलिए कोई और सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो मिला कोई सोल्यूशन? मिला वो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुंबई चलना होगा। इस वक्त तुम्हें मुंबई बिल्कुल नहीं आना, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं, समझे? नहीं, इट्स ओके, जाने दो। नहीं जीजू, मैं हेल्प कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड, मैं उनसे बात कर लूंगी, और वो बहुत अच्छे हैं जीजू, वो जरूर हेल्प करेंगे, उनका दिल बहुत अच्छा है। एंड आप ऐसा मत समझिएगा कि वो आप पर फेवर कर रहे हैं, नहीं, मेरे हस्बैंड की बिल्कुल ऐसी सोच नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं अपने हस्बैंड को कॉल करूंगी और उनसे ऑप्शंस मांगूंगी, और जो कुछ वो मुझे बताएंगे मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर आपको ठीक लगे आप तो ही आइएगा, वरना आप ना भी कह सकते हैं। ना मत कहना। मिस्टर कपूर, सो सॉरी फॉर योर लॉस सारा दी। हम एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम मेरी बीवी के लिए और सारा दी के लिए बहुत खास हो, वरना प्रिया मुझसे हेल्प कभी नहीं मांगती, वरना आज तक ये कभी हुआ नहीं है, शी इज नेवर आस्क्ड मी फॉर हेल्प, और जब पूछी है तो आई विल डू व्हाट एवर इट टेक्स, सिर्फ तुम्हारी हामी की जरूरत है। क्या तुम मुझे मेरी बीवी की मदद करने दोगे? क्या तुम मुझे मेरी बीवी की नजरों में एक बार के लिए ही सही हीरो बनने दोगे? तुम एकदम साफ मना कर देना बस। सोच क्या रहे हो? अरे मैंने सारा दी के बनाए हुए ना बहुत सारे कपकेक खाए हैं उनकी बेकरी से, इतना तो हक बनता है ना, लेट मी पे बैक। नहीं सारा दी, वरुण थैंक्स, ओके ग्रेट, तो ये बात डिसाइड हो गई है, आप लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई आ रहे हैं, ओके? सारा दी मैं जो कुछ भी हो सकेगा ना मैं करूंगा वरुण के लिए, और सारा दी मैं कुणाल से बात कर लूंगा, आपकी जो टिकट है दिल्ली से मुंबई के, लॉजिस्टिक्स बैगेज सब कुछ वो देख लेगा, ओके? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। राम प्लीज यार, अब थैंक यू मत बोलना, वरना मुझे भी कहना पड़ेगा कि ये तो मेरा फर्ज था। अरे आपका नमक खाया मैंने? हा? अरे आपकी बेकरी में जो पफ मिलते हैं ना इतने नमकीन होते हैं ना, मतलब नमक ही खाया ना, ना तो फर्ज बनता है।
आप मेरी बड़ी से बड़ी मुश्किल को कितना आसान बना देते हैं मिस्टर कपूर। मैं तो इतनी शिकायतें करती हूँ पर आप, आपके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आती। कैसे मिस्टर कपूर? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।